हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुपमा चौधरी है और इस चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी बताने जा रही हूँ। हमारे बालों में अक्सर हेयर फॉल की प्रॉब्लम रहती है, बाल बहुत झड़ते हैं हमारे, तो ये जो आज मैं आपके साथ में रेमेडी शेयर कर रही हूँ, इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, जो हमारे बालों की ग्रोथ को बहुत ही अच्छा करेगी। बालों में स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम है तो उसको सही करेगी, बालों में हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है तो उसको कंट्रोल करेगी, बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो उसको भी ये सही करेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से देखते हैं इस रेमेडी को हम किस तरीके से तैयार करेंगे। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने रॉयल स्टाइल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने कर लिया है तो आपका थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मेरी वीडियोज को आप शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हम सबसे पहले ये कोकोनट ऑयल लेंगे। ये मैंने पैराशूट का 100% प्योर कोकोनट ऑयल लेंगे, इसका हम एक चम्मच लेंगे। उसके बाद हम इसमें नेक्स्ट जो है ये कैस्टर ऑयल मिक्स करेंगे, आधा चम्मच के आसपास हम इस कैस्टर ऑयल को मिक्स करेंगे। ये अरंडी का तेल होता है फ्रेंड्स, जो हमारे बालों के ग्रोथ में बहुत ही बढ़िया काम करता है। लगभग आधा चम्मच के आसपास इसको मिलाएंगे। उसके बाद लास्ट में हमारा जो बादाम का तेल है, ये मैंने हमदर्द रोगन बादाम शीरिन लिया है 100% प्योर स्वीट आलमंड ऑयल, इसको भी हम एक चम्मच इसमें मिक्स करेंगे। तो ये तीनों ऑयल को हम आपस में बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और एक हमारा ये बहुत ही बढ़िया हेयर ऑयल हो गया है तैयार। अब हम इसको अपने बालों की जड़ों में बहुत ही अच्छी तरीके से मसाज करेंगे और आगे का हम पूरा प्रोसीजर इसको करेंगे। क्या क्या पूरा प्रोसीजर है वो मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ और किस तरीके से हम इसे अपने बालों में लगाएंगे। तो फ्रेंड, इस तरीके से कॉटन से हम इस हेयर ऑयल को लेंगे और पूरा अपने बालों की जड़ों में इस तरीके से दबाते हुए अपने पूरे सिर पे अच्छी तरीके से लगाएंगे। पहले हम कॉटन से पूरी अच्छी तरीके से इसको लगा लेंगे, उसके बाद हम इसकी मसाज करेंगे। इस तरीके से फ्रेंड्स, पूरे सर पे लगाने के बाद में फिर हम बालों के लेंथ पे भी लगाएंगे और नीचे हमारा जो एंड्स है बालों के, यहाँ पर ज़रूर लगाएंगे अच्छी तरीके से। यहाँ पर भी हमारे जो स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम होती है वो हमारी नहीं होगी। इसे अच्छी तरीके से दबाते हुए हम अपने बालों के एंड्स पर भी लगाएंगे। उसके बाद हम अपनी इसमें मसाज करेंगे। 10 से 15 मिनट्स हम बहुत हल्के हल्के हाथों से पूरे अपने सिर पर मसाज करेंगे। इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही बढ़िया इंप्रूव करेगा और हमारे बालों की हेयर ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी इससे, और हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से 15 मिनट्स हल्के हल्के हाथों से मसाज करने के बाद में फिर हम एक गर्म टॉवल लेंगे और उसको अपने सिर पे इस तरीके से रखेंगे और अपने बालों को स्टीम देंगे हम।
जब तक ये हमारा टॉवल गर्म है तब तक हम इसे अपने बालों पे रखेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको एक बार और हम गर्म पानी में करेंगे और फिर इस तरीके से अपने बालों पे लगाएंगे इसको। इस तरीके से 2-3 बार बहुत ही अच्छी तरीके से स्टीम देने के बाद में हम अपने बालों को 1 घंटे के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे। उसके बाद हम अपने हेयर को वॉश कर लेंगे किसी भी वाइट शैम्पू से। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। ये हमारे बालों को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, सिल्की और शाइनी बना देगा। ये प्योर हर्बल है, आप इसको वीक में 2 बार कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरी वीडियोज़ को आप शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और रॉयल स्टाइल चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ जो बेल आइकन है फ्रेंड्स, उसको भी आप ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करिएगा और FB पे मेरे पेज रॉयल स्टाइल को ज़रूर लाइक करिएगा। तो हम बहुत ही जल्दी मिलते हैं एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ में। तब तक लव यू ऑल, बाय, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।